Do not mistake my silence for lack of grief. Mourn how you wish. Leave me to my own. Hey guys, ISAF, यानी कि Interesting Stories and Facts में स्वागत है आपका. Facts, wherever you see. मैं हूं आपका होस्ट और नरेटर गुनूर तूर, और आप देखने जा रहे हैं Wildstorm की God of War Part 3 Story Explained. इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्रेटोस और उसके साथियों ने कैसे गुस्साए हुए जल के देवता पोसाइडन से अपनी जान बचाई, कैसे किया क्रेटोस ने आर्टमिस के योद्धा पोथिया का सामना, आखिर अथीना क्या चाहती है क्रेटोस से, और क्या क्रेटोस लिजांड्रा को दिए वचन को पूरा कर पाएगा. एवरीथिंग इन दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द प्रीवियस पार्ट्स ऑफ इट टू नो मोर अबाउट द स्टोरी लाइन ऑफ गॉड ऑफ वॉर. अन्य रोमांचिक कॉमिक बुक स्टोरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो. तो स्टोरी हमें बताती है कि इससे पहले कि क्रेटोस एक नए युद्ध के देवता के रूप में हॉल्स ऑफ ओलंपस में दाखिल होता, उससे पहले वह सिर्फ एक आम मानव था, और उसे भी किसी अन्य मानव की तरह भगवान के खूनी क्रोध से होकर गुजरना पड़ा था. और इसके बाद हम देखते हैं पोसाइडन को क्रेटोस और उसके साथियों पर एक भयानक भंवर के रूप में हमला करते हुए. क्रेटोस के योद्धा एक दूसरे को कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये भंवर हमें ही खत्म करना चाहता है. क्या हम लोगों ने पानी के देवता पोसाइडन को किसी प्रकार से क्रोधित किया है? जिस पे क्रेटोस कहता है कि तुम सभी लोग एक दूसरे को कसकर पकड़ लो, हम अंत तक लड़ने के लिए जिएंगे, और तुम दोनों कैप्टन निकोस को पकड़ो और मेरे पीछे आओ. क्रेटोस सिर्फ अपनी जिंदगी या अपने साथियों की जिंदगी के लिए ही संघर्ष नहीं कर रहा था, मगर वह तो अपनी नई जन्मी बच्ची कैलियोपी, जो कि एक प्लेग से पीड़ित थी और मरने वाली थी, को भी बचा रहा था. भंवर में फंसा हुआ क्रेटोस कहता है कि हम सभी को इकट्ठा रहना होगा और एक दूसरे को मत छोड़ना, और देवलोक में हम हर्मिस और पोसाइडन को बात करते हुए देखते हैं. हर्मिस कहता है कि पोसाइडन, ऐसा लग रहा है कि वह ये सब सह पा रहा है. जिस पे हर्मिस को टोकते हुए पोसाइडन कहता है कि शांत रहो, अंत में वह मारा ही जाएगा. इन सभी मुश्किलों को देख युवा क्रेटोस के मन में यह संदेह पैदा हो गया था कि देवता उसे कैलियोपे के एकमात्र संभावित इलाज को खोजने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वह इलाज था पोस्लीपियस का एम्ब्रोजिया. फिर हम देखते हैं कि भंवर के बीचों बीच एक विशालकाय सांप अपना मुंह खोले हुए बैठा था, जो कि क्रेटोस और उसके साथियों को निगलने के लिए तैयार था. उस सांप को देख क्रेटोस के साथी डर जाते हैं, मगर निडर क्रेटोस उस सांप पर तलवार से हमला कर देता है. वह उस सांप के जबड़े को तलवार से काट देता है और फिर उसकी आंख पर हमला करता है. वह कहता है कि नीच प्राणी, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, और इसी की वजह से तुम्हें मरना होगा. क्रेटोस को सांप से लड़ते देख उसके साथी भी सांप पर हमला कर देते हैं, और इसी के बीच क्रेटोस सांप के गले पर वार कर देता है. गला कट जाने की वजह से वह सांप सांस लेने की नाकामयाब कोशिश करता है, और एक सिपाही क्रेटोस को कहता है कि तुमने देखा क्रेटोस, ये सांप सांस लेने की कोशिश कर रहा है. जिस पे क्रेटोस कहता है कि ये सांप इस समंदर में रहने वाला नहीं है, मगर ये कहीं और से यहाँ पर आया है. ये सब देख क्रेटोस के दिमाग में एक विचार आता है. वह अपने साथियों को कहता है कि जितनी भी सांस एकत्र कर सकते हो कर लो, और मेरे पीछे आओ. क्रेटोस बचे हुए स्पार्टन्स को ठंडे काले पानी में ले गया, ये विश्वास करते हुए कि मोक्ष कहीं करीब ही था. फिर भी जैसे जैसे वे गहरे और गहरे अंधेरे में तैरते गए, क्रेटोस की आशा फीकी पड़ने लगी. लेकिन अगर टाइची का साथ किस्मत में हो तो अंधेरे में भी कभी कभी उजाला होता है, और ऐसे ही दूर कहीं अंधेरे में क्रेटोस को एक उजाले की किरण नजर आती है. वह उस उजाले की ओर तैरते हैं, और कुछ ही समय में वह तल पर आ जाते हैं. पानी से बाहर आने के बाद क्रेटोस कैप्टन निकोस को पूछता है कि क्या तुम आगे चल सकते हो? अगर तुम आराम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे बिना आगे जा सकता हूं. मगर कैप्टन निकोस कहता है कि नहीं,
मैं दुर्बलता से हार नहीं मान सकता। फिर कैप्टन निकोस क्रेटोस की प्रशंसा करते हुए कहता है कि तुम बेहद बहादुरी से लड़े हो क्रेटोस, मगर एक महान लीडर बनने के लिए तुम्हें तुम्हारे आदमियों का लोहे के साथ साथ ज्ञान से भी मार्गदर्शन करना होगा। और फिर वह कहता है कि लेकिन फिर भी जब हम स्पार्टा वापस चले गए तो मैं बादशाह से गुजारिश करूंगा कि वह तुम्हें स्पार्टन आर्मी का अगला कैप्टन बना दे। और पानी का देवता पोसाइडन उन सभी को जिंदा देखकर गुस्से से और तिलमिला उठता है। फिर कहानी हमें बताती है कि यह सब सालों पहले की बातें थी और भाग्य की बहनों ने तो क्रेटोस के लिए कई और अन्य योजनाएं बना रखी थी और ठंडे गहरे एजियन समंदर में क्रेटोस की मौत नहीं लिखी थी। उस गुफा के अंधेरे ने जिसमें क्रेटोस कभी सालों पहले भी घुसा था उसे उसकी पुरानी यादों से बाहर ला खड़ा किया था, पर उन दिनों की यादें आज भी एक कड़वे सच को अपने साथ लाती हैं। क्रेटोस ने तब से अब तक कई जिंदगियों को खोया था, उनको भी जो उसे अपनी जिंदगी से भी अधिक प्यारी थी। फिर हम देखते हैं अपनी यादों से बाहर आए क्रेटोस को दानव मकड़ी को खत्म करते हुए, और जब क्रेटोस आगे बढ़ने लगता है तो गॉडेस अथीना वहां पर आ जाती है। क्रेटोस उसे देख चौंक जाता है और अथीना उससे कहती है कि तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है क्रेटोस, पर और भी कई खतरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अथीना की बात से नाराज हुआ क्रेटोस उससे कहता है कि क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो अथीना? क्या तुम भूल गई हो कि मैं पहले भी इस रास्ते से होकर निकल चुका हूं और आगे ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे आश्चर्य में डालेगा या मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अथीना क्रेटोस को कहती है कि तुम गलत हो क्रेटोस, वह रास्ता जिससे तुम सालों पहले गुजरे थे अब वही रास्ता कई तरह के खतरों से भरा हुआ है, और वह ऐसे खतरे हैं जो कि स्वयं महान देवताओं को भी नष्ट कर सकते हैं। क्रेटोस अथीना को कहता है कि मैं इन खतरों से डरने वाला नहीं हूं, जिस पे अथीना कहती है कि युद्ध के देवता, मैं यहां पर सिर्फ तुम्हें आगे आने वाले खतरों से आगाह करने के लिए आई और मैं तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना भी करूं, और ओलिंपस में कई और देवता भी यही कर रहे हैं, पर पिछली बार जब तुम यहां पर आए थे तो तुम मुश्किल से ही इस सफर को पूरा कर पाए थे, और इस बार तुम उन ताकतों के बारे में सोच भी नहीं सकते जो तुम्हें मारना चाहती हैं। गुस्साया क्रेटोस अथीना को कहता है कि तुम अभी भी सोचती हो कि मैं एक आम मानव हूं, मगर मैं अब एक देवता हूं और मैं उस हर चीज को तबाह कर दूंगा जो मुझे तबाह करना चाहती है। मैं उस अंधेरे और परछाई में छिपी हुई हर एक चीज के लिए तैयार हूं। और ऐसा कहते हुए क्रेटोस आगे बढ़ने लग जाता है, और चलते चलते क्रेटोस एक बार फिर से अपनी पुरानी यादों में खो जाता है जब कभी वह इसी रास्ते पर अपनी सेना के साथ आया था। क्रेटोस को एक सिपाही पैलास पीछे से आवाज लगाता है और कहता है कि क्रेटोस हमें यहां पर कुछ पलों के लिए रुकना होगा, मगर क्रेटोस उससे पूछता है कि अब क्या बात है पैलास? तो पैलास उसे पानी का एक छोटा कुंड दिखाते हुए कहता है कि देखो यहां पर एक छोटा तालाब है और हमें उसमें से पानी पी लेना चाहिए जब तक हम यहां पर हैं, मगर क्रेटोस उससे कहता है कि हमें आगे चलना होगा। तभी एक सिपाही क्रेटोस की इस बात को ठुकरा देता है और कहता है कि नहीं, हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं और पानी पीना चाहते हैं। पैलास क्रेटोस को कहता है कि मैं खुद के लिए पानी की मांग नहीं कर रहा हूं, मगर मैंने देखा है कि कुछ सिपाही कमजोर हो रहे हैं और वे कुछ पलों को फिर से स्वस्थ होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेटोस कहता है कि वे कमजोर हैं, हमें उन्हें पीछे छोड़ अपने सफर को आगे बढ़ाना होगा, मगर पैलास कहता है कि हम देवता नहीं है क्रेटोस, और तुम्हें भी इन पलों का फायदा लेना चाहिए। इसी बीच हम देखते हैं कि कोई और भी वहां पर मौजूद था जो क्रेटोस और उसके आदमियों पर नजर रख रहा था। इसके बाद क्रेटोस पैलास को याद करवाता है कि हमारे पास समय बेहद कम है, मगर पैलास उसे टोकते हुए कहता है कि एक महान लीडर अपनी जरूरतों को छोड़ अपने लोगों की जरूरतों को मुख्य रखता है। फिर क्रेटोस पैलास को याद करवाता है कि उसकी बच्ची की जिंदगी उसके ऊपर निर्भर है, और पैलास कहता है कि मैं इस बात को समझता हूं क्रेटोस, पर अपने आदमियों पर भरोसा रखो,
वह तुम्हें निराश नहीं करेंगे। क्रेटोस पर नजर रखने वाला आंख बचाकर वहां से निकल जाता है और फिर हमें पता चलता है कि दूसरी ओर उसी गुफा के भीतर आर्टेमिस की योद्धा पोथिया, जो कि केरोस की रहने वाली है, अपनी सेना के साथ क्रेटोस का इंतजार कर रही होती है। क्रेटोस के वहां पर आ जाने की खबर लेकर पोथिया की सिपाही उसके पास आती है और कहती है कि पोथिया, वह यहाँ पर आ पहुंचे हैं, वही आदमी जिसके बारे में आर्टेमिस ने तुम्हें आगाह किया था। पोथिया उसे पूछती है कि एरिस का योद्धा क्या वह अकेला है, जिसके उत्तर में दूसरी लड़की उसे कहती है कि नहीं, वह अपने योद्धाओं के साथ आया है, मगर वह सभी थके हुए और निर्बल लग रहे हैं। पोथिया कहती है कि उनका स्पार्टा से यहां तक का सफर बेहद लंबा था और वह लड़ने के लिए बेहद कमजोर होंगे। तभी एक बूढ़ी औरत पोथिया को कहती है कि और मौतें, पोथिया मैंने तुम्हें इन सभी खतरों से आगाह किया था। मगर पोथिया उसे कहती है कि हाँ लैडा, तुमने ऐसा कई बार बताया है, पर क्या हमारे पास कोई और विकल्प है इसके अलावा? हमारे हीलर्स को भी नहीं पता कि क्यों केरोस की सभी औरतें अपने अनजन्मे बच्चों को खो रही हैं, और अब उन्हें ये भी डर है कि वे और बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगी, और बिना बच्चियों के हमारी जाति खत्म हो जाएगी। सिर्फ ऑस्लीपियस का एम्ब्रोसिया ही हमें फिर से ठीक कर सकता है। लेडा कहती है कि मैं जानती हूँ पोथिया, मगर किसी को मारना, और इसी बीच पोथिया लेडा को टोक देती है और कहती है कि लेडा, या तो हम कुछ दर्जनों आदमियों को खत्म करेंगे या खुद मर जाएंगे, यही एक विकल्प है जो मैंने इस आवश्यकता के समय पर चुना है, और हालांकि मैं अपने मारे गए दुश्मनों की लाशों पर रो ही क्यों ना दूं, मगर ये एक ऐसा फैसला होगा जिससे मुझे कभी भी पछतावा नहीं होगा। और फिर पोथिया अपने सिपाहियों को कहती है कि केरोस के योद्धाओं, हमारी देवी आर्टेमिस ने हमें ये शक्ति दी है कि हम किसी को भी आसानी से मार सकते हैं, और उसी से हमने तीर और धनुष, छुरी और भालों की शिक्षा ली है। अब खुद को तैयार करो, अब हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ने जा रहे हैं। और ऐसा कहते ही पोथी और उसके सिपाही क्रेटोस और उसकी सेना पर टूट पड़ते हैं। क्रेटोस ये सब देख अपने सिपाहियों को अपनी अपनी जगह लेने और जंग के लिए तैयार होने को बोलता है। केरोस के वासियों और स्पार्टन्स में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। फिर क्रेटोस और पोथिया एक दूसरे के सामने आते हैं। पोथिया क्रेटोस को कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम जरूर ही बहादुर योद्धा क्रेटोस होगे। मैंने तुम्हारे युद्ध कौशल की बहुत सी कहानियां सुनी हैं, पर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी तुम्हें आसानी से हरा सकती हूँ। और फिर वह अपने पैरों से नुकीले पत्थरों को क्रेटोस की ओर फेंकती है और कहती है कि मैं सभी के लिए तुमसे क्षमा मांगती हूँ क्रेटोस, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मगर मेरे लोगों को बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। मगर क्रेटोस उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जब क्रेटोस शिकार में माहिर अजय योद्धाओं से लड़ रहा होता है तो पूर्व की ओर से और दुश्मन एम्ब्रोसिया पर अपना हक जताने के लिए उसके पास आते जा रहे थे। प्रिंस एलरिक, जो कि बारबेरियन योद्धा और जो नरक के शासक हेडिस का चैंपियन था, वह अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए एम्ब्रोसिया को खोज रहा था। और एलरिक का सामना कर रहा था दनाउस, जो कि रफ्तार, थीवरी और जंगली जानवरों के देवता हर्मिस का योद्धा था। हर्मिस ने दनाउस के गांव के जानवरों को प्लेग ग्रसित कर दिया था और उनके बिना दनाउस के गांव वाले भूख से मर रहे थे। एलरिक दनाउस को कहता है कि तुम भी मेरी तरह एम्ब्रोसिया को खोज रहे हो, मगर ये तुम्हारा नहीं होगा। जिस पे दनाउस उसे कहता है कि तुम गलत हो बारबेरियन, मेरे लोग इस भूख से नहीं मरेंगे। मगर दनाउस की बात को बीच में काटते हुए और अपनी तलवार के एक वार से ही एलरिक उसका सर कलम कर देता है और कहता है कि बहुत हुआ, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। एलरिक अपने योद्धाओं को कहता है कि चलते रहो, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। और हम देखते हैं दनाउस के कटे सर को धरती पर गिरते हुए। दूसरी तरफ क्रेटोस पोथिया को कहता है कि तुम उनकी लीडर हो और तुम उन्हें इस बेवजह के खूनी खेल में क्यों धकेल रही हो, आत्मसमर्पण कर लो और अपने घर लौट जाओ और मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ दूंगा। मगर पोथिया उसे कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊं, यही बात तो मैं तुमसे कहने वाली थी।
वह क्रेटोस को कहती है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी सेनाओं को एक साथ जोड़ लेना चाहिए। और क्रेटोस को सिड्यूस करते हुए वह कहती है कि एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों के जैसे लड़ने के अलावा हमारे पास और भी कई रोमांचक रास्ते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। मगर क्रेटोस उसके झांसे में ना आते हुए कहता है कि और तुम चाहती हो कि तुम मेरी पीठ में खंजर घोंप सको जब तुम्हें ठीक लगेगा। तुम जानती हो कि एम्ब्रोजिया की मात्रा सिर्फ एक योद्धा को ही पूरा कर सकती है। फिर पोथिया उसे कहती है कि यह सब कितना शर्मनाक है और अब तुमने मेरे पास और कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा है। और ऐसा कहते हुए वह क्रेटोस पर हमला कर देती है, मगर तलवार के एक वार से ही क्रेटोस पोथिया को बीच में से काट देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से अब ऊब चुका हूं। एक सिपाही क्रेटोस को कहता है कि हमारे आदमी इस युद्ध को जीत चुके हैं, जिसपे क्रेटोस कहता है कि तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलते चलते स्पार्टन्स एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और जैसे जैसे ही उस रेगिस्तान की गर्मी बढ़ती है तो क्रेटोस की पुरानी यादें धुंधली पड़ने लगती हैं और वह उसे वर्तमान की बेरहम सच्चाई में ले आती है। वहां पर अथीना दूर जा रहे क्रेटोस को कहती है कि तुम्हारे अतीत की यादें हमेशा की तरह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी क्रेटोस। मगर क्रेटोस इस बात से गुस्सा हो जाता है और वह अथीना पर वार करते हुए कहता है कि अथीना तुम पहेलियों में बात कर रही हो, मगर मैं ना तो अतीत से डरता हूं, ना वर्तमान से और ना ही भविष्य से। कोई भी जिंदा व्यक्ति मुझे युद्ध में नहीं हरा सकता है। अथीना कहती है कि तुम्हारे ये शब्द सच्चे हैं क्रेटोस, पर तुम्हें जिंदा लोगों से नहीं मगर मर चुके लोगों से डरना चाहिए। क्रेटोस अथीना की बात को ना समझते हुए कहता है कि मर चुके लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है अथीना, जवाब दो मुझे। मगर अथीना एक बार फिर क्रेटोस को गहरी सच्चाई में छोड़कर वहां से गायब हो जाती है और क्रेटोस गुफा से बाहर जाने के लिए रोशनी की ओर चलने लग जाता है। वह खुद से ही बात करते हुए कहता है कि पहेलियां और कहानियां, मर चुके लोगों से डरो मगर मैं किसी से भी नहीं डरता हूं। और ऐसा सब कहते हुए वह रेगिस्तान में तेज रोशनी और गर्मी में अपने सफर को आगे बढ़ाता है। चलते चलते क्रेटोस एक जंगल में पहुंच जाता है जहां पर उसे अपने मरे हुए सिपाहियों की लाशें दिखाई देती हैं और उसे अथीना के कहे हुए शब्द याद आते हैं। देखते ही देखते वह लाशें जिंदा होने लग जाती हैं और क्रेटोस को कहती हैं कि तुमने हमें यहाँ पर काफी लंबे समय पहले अकेला छोड़ दिया था क्रेटोस, और अब हम ये पक्का करेंगे कि तुम भी हमारे साथ ही रहो सदा के लिए। ऐसा कहते हुए वह मरे हुए लोग क्रेटोस को घेर लेते हैं। क्रेटोस उनका सामना करने के लिए ब्लेड्स ऑफ केओस को निकाल लेता है और यहीं पर कॉमिक बुक के इस पार्ट का अंत हो जाता है। क्या क्रेटोस उन मर चुके लोगों से खुद को बचा पाएगा या फिर उनके साथ सदा के लिए वहां पर फंसकर रह जाएगा, ये सब हम देखेंगे गॉड ऑफ वॉर के अगले पार्ट में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग आईसैप। स्टे ब्लेस्ड।